अच्छा मौसम हो रहा है ना। हाय फ्रेंड्स, और डेट है आज, डेट है 30 मई। तो अभी यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने आई हूँ, एक टॉपिक हेल्थ का टॉपिक है, बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अपलोड करूँगी ऑल अबाउट हेल्थ पर। तो अभी बस अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ठंडी हवा है। एक्चुअली मैंने ना नीचे फ़ोन किया, अभी मैं ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने कहा CSND को भेज दो, बहुत ठंडी हवा है। है ना, एक बंदर ने अड्डा बना लिया है। अरे मेरी वीडियो कब रिकॉर्ड होगी? शाम हो गई, सुबह से की बनाऊंगी। आपने देखा, इधर ही आ रहा है, तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो पतला वाला बंदर है। बंदर ही जा ही नहीं रहा, यहीं पर रम गया है। तुम्हें रिकॉर्ड करना था, मैं देख लूंगी, आप जाओ। सूट दिलाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे कि जो है उन्हीं में रहो, बस देख लो, खर्चा नहीं करना चाहते। आ, नीचे कर, कैमरा नीचे करो, सूट फटने का हो रहा है। इसको ऐसे अच्छे लगते हैं, लॉकडाउन का सर। चलो अब मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ये देखो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कितनी दिक्कतें आती हैं। मुझे करना था, मैं कह रही हूँ शांत रहना। मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली। हाँ, साफ मना करे, कह रहे हैं अब तुम्हारे लिए कोई शॉपिंग नहीं होगी, जो सूट है ना उन्हीं में फिट होके दिखाओ। हाँ, तो इसमें आपके लिए तो अच्छा है, सही बोलो ना। अरे इतनी अच्छी आवाज चल रही है ना, और मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, देख लो। मैं आई थी, एक बड़ी अच्छी सी वीडियो सोचा था रिकॉर्ड करूँगी, और नहीं हुआ। ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर, इतना आसान नहीं है। जब साथ में ऐसे ऐसे हस्बैंड होंगे तो बोलो चुप रहना, और देखो अब इनको मैं ज़्यादा कहूँगी ना चुप रहने के लिए, तो गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी वजह से हम इंजॉय ना करें, ऐसे बोलेंगे। बारिश आ गई, चलो चलो घर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आ गई है। चले से या चलो, लाइट गई हुई है। नहीं, कुछ एग्जाम हो गया जिसको मैं पीटीएम सोचा था, वो क्या बता, देखो क्या मैम बोल रही थी, पीडीएफ फाइल बोल रही थी। एग्जाम पर क्या होता है, अब आप ये बताओ। मैं तो नहीं कर पाऊंगा करना। हाँ, कोई बात नहीं, मैम ने बोले व्हाट्सएप कर देना। ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा। हेल्प ली थी मम्मा से? आपने खुद ही बता दिया था। एक्चुअली क्या क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन का मतलब मीनिंग, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है इसमें, वो तो मैम ने बोला थोड़ा सा कोऑपरेट कर देना। और एग्ज़ाम हुए हैं, बिना नहाए धोए उठ के बैठ गए बस स्क्रीन के सामने, है ना, नहाना धोना है नहीं। तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लोगों की। एंड फ्रेंड्स, आज है मंडे, और मंडे को हमारा फास्ट रहता है, तो अभी क्या है, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सैंडी का एग्ज़ाम ओवर हो गया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक। वैसे तो हेल्दी बहुत हो रही हूँ, लेकिन फास्ट वाले दिन ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन हाँ वेट इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। अब तो लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, अगर मैंने अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं किया ना तो बस। Okay. पास से बड़ा बड़ा मुंह ले लेती हो, थोड़ा सही से सूट किया करो मेरा, लगू मैं कुछ। क्या लगोगे? मैं कह रही सो के उठ गए, कितने बज रहे हैं? 12 बजने वाले हैं और आप सो के उठे हैं। तो ना उठे, सबके काम खुलते जा रहे हैं, आपका जिम कब खुलेगा? हाँ जी, जब मोदी जी बोलेंगे जब खुल जाएगा। जिम सबसे पहले खुलना चाहिए था, जो सबसे लेट खुलनी चाहिए थी, दारू सिगरेट तंबाकू ये सब पहले खुल गया। तो लोग अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। ऐसे तो ना, जिम वाले भी सब देते हैं, खुल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत परेशान हो रही थी, अब कह रहे थे बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब नहीं बैठा जाता, अब और नहीं घर की सफाई की जाती, अब और नहीं होता। कुछ नहीं,
क्या है इन्होंने इतना घर में, जैसे औरों की मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ कि हस्बैंड लोग कितना सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने कुछ नहीं किया, घर में बैठ के आराम किए हैं बस, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। एक दिन कह रहे थे, मैंने बोला थोड़ा सा अकेला हूँ शायद जो वर्कआउट कर रहा हूँ लॉकडाउन में, तो वो अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और लंच हो गया है इन लोगों का। वैसे तो क्या करते हैं मेरे हस्बैंड जब लंच करते हैं डिनर करते हैं तो उस टाइम पे लूडो खेलते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए हैं। लूडो खेलेंगे, टीम वाला खेलोगे? सैनी किसकी टीम में आना चाहोगे, किसकी टीम में आना चाहोगे? पापा के साथ इन्होंने नाम रखा हुआ है, जो सैंडी है अपने पापा के साथ खेलता है टीम में, तो शेर चीता है, और मैं और सिया है, सिया को बोलता है डायनासोर, और मम्मी को कहीं पुराना लग रही है, मम्मी को तितली, कहते तितली डायनासोर हारेंगे। आज का प्लान था आलू का, आलू के चलो 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 स्टार्ट कर लो। और अभी मैं आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ, ये आपको आज का बैकग्राउंड थोड़ा अलग दिख रहा होगा, ये है हमारा नीचे वाला रूम, जो फ्लोर हम यूज़ नहीं करते, सबसे बाहर वाला रूम है ये। थोड़ा सा मैं कैमरा रोटेट करके आपको दिखाती हूँ, ये वाला इस तरह से है, ये बाहर वाला। तो मतलब बाहर वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, एक्चुअली क्या है ना ऊपर बच्चे खेल रहे होते हैं तो बात नहीं पाते, और जब आपसे बात करनी होती है ना तो बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। अभी मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, मैं रूम से बाहर आ गई हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, रूम में बैठी थी तो आवाज़ जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, मुझे नहीं लग रहा था समझ में आई आप लोगों को, यहाँ भी पता नहीं कैसी आ रही है, अभी देखती हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब मेन बात कर लेती हूँ मैं, लास्ट 2 दिन से आई थिंक ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना, पहले मैं सोच रही थी इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने कंट्रोल भी किया, लेकिन नहीं यार अब तो ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको बताई थी चैनल को डिलीट करने की बात हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिनका मुझे ईमेल आया था, फ़ोन आया था, उनको ये भी पता था मेरे चैनल का दूसरा नाम था, पहले मैंने बीच में चेंज किया था, और नाम चेंज करने के बाद मैंने 300 से ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, तो तब भी जिन यूट्यूबर से मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे बोला था, ऐसे तो किसी को पता नहीं होता कि पहले इतनी वीडियो पहले आपके चैनल का क्या नाम था, किसी को नहीं पता होता, किसी ने इन्फॉर्म किया है उनको, या चाहे वो फ्रॉड है, वो आपको मतलब कोई है आपका जानने वाला वो ऐसा फ्रॉड कॉल कर रहे हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन भी उन्होंने मुझे सिर्फ बोला था डिलीट करो चैनल, डिलीट करो चैनल, क्योंकि देखो मेरे व्लॉग्स देख के लगता है ये कोई सिंपल सी लेडी है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, मतलब देखो आप भी समझ जाते होगे, ठीक है। तो वो तो उस टाइम पे जो मेरा भाई था जैसे लॉयर था, तो मैंने उससे बात करा रही थी, तो बट आई थिंक जिस तरह से वो मुझे प्रेशराइज कर रहा था बंदा डिलीट करो तो मुझे तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। वो बाद में मैंने अपने दिमाग से निकाल दी, चलो जो हुआ सो हुआ, चैनल का नाम चेंज हो गया है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कमेंट्स आते हैं आप लोग लिखते हो कि हमारा कमेंट पिन कर दीजिएगा, तो मैं कर देती हूँ, जिसका मुझे पहले दिख जाता है मैं उसका कर देती हूँ। तो ऐसे ही जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये वाली थी कि अब मेरा चैनल डिलीट करने को कह रहे हैं, तो उसमें कमेंट आया था दी मैं कमेंट करने वाली हूँ, आप उसको पिन कर दीजिएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कमेंट करते हैं, बट जो उन्होंने कमेंट किया ना, एक यूट्यूबर हैं, आप लोग उनके बारे में हमेशा मुझसे पूछते हो, उनका कुछ जिक्र कीजिए, उनके बारे में कुछ बताइए, मैं नहीं करती हूँ, पर तो उस यूट्यूबर के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था, काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, बैड वर्ड्स भी यूज़ किए हुए थे, और फिर लास्ट में लिखा हुआ था इस कमेंट को आप पिन कर दीजिएगा। तो ऑब्वियसली मुझे करना ही नहीं था, उस यूट्यूबर की जगह अगर कोई आम इंसान के भी किसी की आप बात कर रहे हो तो मैं शायद जब भी नहीं करती पिन, तो मैंने उस कमेंट को नहीं पिन किया। तब भी मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पसंद आते हैं इसलिए शायद उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा, लेकिन मेरे ही चैनल पे क्यों लिखा है ना। जिस यूट्यूबर के बारे में आप लोग पूछते रहते हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरे इशारा कहाँ जा रहा है, कि उसके बारे में मेरे चैनल पर आकर बैड कमेंट लिखा गया है, और मुझे से बोला जा रहा है पिन कर दीजिए उसको, तो आप भी गलत सोच रहे हो कि मैं उसको पिन करती। तो वो कमेंट मैंने थोड़ा लेट देखा था, क्योंकि देखो हम हर टाइम तो ऑनलाइन अवेलेबल रहते नहीं हैं, वो कमेंट काफ़ी देर का आया हुआ था, और जब मैंने उसको देख लिया तो तभी मैंने देखा कि वो रिमूव हो गया था। जैसे मैंने दोबारा गई ना, मैंने दीदी को दिखाने के लिए, मैंने कहा दीदी देखो इस तरह से कमेंट लिखा है किसी ने, तो मैं दीदी को इतने दिखाने गई तो इतने वो कमेंट रिमूव था,
मतलब कैन यू बिलीव, आप पहले कुछ लिख रहे हो, इसको पिन कर दो। मैं अगर किसी इंसान के बारे में अपने चैनल पर इस पर जिक्र नहीं करती तो इट डजेंट मीन्स कि आप कुछ भी उनके बारे में लिखोगे और मैं उसको पिन कर दूँगी, या आपने कुछ अंदाजे लगाए होंगे कि क्या चल रहा होगा इनके बीच में रिलेशन, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। कुछ भी कैसा भी चल रहा हो बट ऐसी चीज़ को तो मैं पिन नहीं करूँगी, ठीक है। आपको ये कुछ सोच लेना चाहिए था। बट पता है मैंने एक चीज़ बोल दी अपने वीडियोज़ में, मेरे को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सही गलत के बारे में तो मुझे पता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी बैड कमेंट लिखोगे और वो कमेंट अगर मैं उस दिन पिन कर देती ना, तो शायद मेरे चैनल पर आज मैं बैठी नहीं होती आपसे बात करने के लिए। तो ये वाली चीज़ हुई। और मुझे इस चीज़ का लगा, अगर आपने कमेंट लिखा था तो आपने वो वापस क्यों लिया कमेंट, आपने क्यों रिमूव किया, या तो उसे मैं खुद रिमूव करती। मैं कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ 2 मिनट लगे थे मुझे, मैं उसे दिखाने के लिए गई कि मैंने कहा दीदी देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह कमेंट है, तो मुझे वो मिला ही नहीं था वापस देखने के लिए। तो ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कहा क्यों तो किया गया, और जब मैंने पिन नहीं किया तो फिर रिमूव भी कर दिया गया कमेंट को। ऑब्वियसली अगर मैं उस दिन उस कमेंट को पिन करती तो बहुत कुछ हो जाता। किसी और का मैं कुछ नहीं कहती, आप लोग खुद भी सोच के दीदी ने कमेंट क्यों पिन किया है ना, आप लोगों को भी अजीब लगता वो चीज़ भी। चलो मतलब मैं दिमाग से निकाल ली नहीं उस चीज़ को, मेरे दिमाग में अब भी चलता है कि वो क्यों किया गया था, और चलो उस चीज़ को भी साइड में हटाओ। आज सुबह की बात है, मेरे प्राइवेट नंबर पर एक यूट्यूबर हैं, जैसे अभी देखो न्यू क्रिएटर है वो, उनके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है मैसेज किया, तो उन्होंने कोई चीज़ पूछी तो उनके बारे में मैं अभी पूरा श्योर नहीं हूँ वैसे, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि मतलब कोई तो है कि कोई इंसान चाहता है किसी ना किसी चीज़ में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाऊँ कि जिससे मुझे सबके सामने ये दिखा दिया जाए कि ये बंदी देखो किस तरह से क्या कर रही है। मुझे मतलब मुझे ये फील हुआ है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ कोई दिखावा करने नहीं बैठती हूँ। मैं एज अ रियल जो हमारी लाइफ में चल रहा है मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ। तो अगर आप ये चाहते हो कि कहीं मैं ऐसी मिस्टेक कर जाऊँ कि आप उसका फ़ायदा उठा सको, तो आप यहाँ पर गलत कर रहे हो ये। क्योंकि देखो यार, मैं तो अपने हिसाब से ही चलूँगी, मैं कुछ इस तरह के सच को मैं बहुत दूर की भी नहीं सोचती, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन जो जो चीज़ें की गई हैं ना, वो तो ऐसे ही साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि कोई चाहता है कि मैं कुछ मिस्टेक कर जाऊँ। और चैनल के उससे सब यूट्यूबर ने मुझे यही बोला, मैंने ज़्यादा आप लोगों को बताया नहीं डिटेल में, लेकिन सबने बोला वो एक फ्रॉड कॉल थी और कोई आपका चैनल डिलीट करवाना चाहता था आपसे, क्योंकि इस तरह की कॉल वो खुद आपको नहीं करते, फिर आपको जो यूट्यूब है उसकी तरफ से मेल आता सीधा, या फिर वो आपका चैनल खुद ही डिलीट करता, कोई आपसे फ़ोन पर बात नहीं करता इस तरह से, इतना बड़ा ब्रांड है। फिर भी मैंने उस बात को ज़्यादा आपसे इतना शेयर ऐसे नहीं कहा कि कोई इस तरह से मेरे साथ चाले चले, मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, मैंने कहा छोड़ो यार जो भी है, मतलब एक के बाद एक चीज़ ऐसे होती रहेंगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर तो मुझे शेयर करना ही है ना कि भाई हाँ कोई तो है जो मेरे साथ चाह रहा है कि मैं किसी कदम पे कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाऊँ कि उसको फ़ायदा उठाया जा सके। तो प्लीज़ आप जो भी हो ऐसा मत करो। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं बोलूँगी तो मान जाओगे, क्योंकि जो इंसान इतना कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आगे कुछ और भी करेगा। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मेरे व्यूज़ कितने आते हैं? ऑन एन एवरेज 5,000 व्यूज़ आते हैं। जब कोई वीडियो ज़्यादा अच्छी चलती है उस पर हद से 20,000 पहुँच जाते हैं, तो मेरे इतने से व्यूज़ से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि इसका चैनल हट जाना चाहिए इतने से व्यूज़ से। अगर यार मैं ये सोचती हूँ अगर मेरे किसी वीडियो पे 1,00,000 आ गई तो तुम्हारा क्या होगा? जो इंसान मेरे को लेके बहुत इतना परेशान है कि इसका चैनल क्यों है, उसको ये नहीं है कि इसका चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा, उस इंसान को यही इसका चैनल है ही क्यों यूट्यूब पे? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मतलब यार ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोच, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। तुम जो भी हो अपनी लाइफ में तुम मस्त रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। ऐसे क्या मतलब यार, सच में ऐसा लगता है कई बार जब हम बचपन में होते हैं ना, छोटे होते हैं, बहुत सही होते हैं, एटलीस्ट इस तरह की मतलब चालें नहीं चली जाती जो भी होता है बचपन में होता है। अब तो लोग बड़े हो गए हैं तो कहीं कुछ, और सच कहूँ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ यूट्यूब में फेस करने को मिली है। अपना जो मेरा रियल जो मेरा प्रोफेशन है ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ना, सच में काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको देख के खुश नहीं होते हैं,
पता नहीं क्यों नहीं खुश होते हैं, मेरे तो इतने व्यूज भी नहीं है यार, मेरे से कम इतना वो मत रखो। हाँ भाई अगर आ रहे होते अच्छे तकड़े व्यूज तो जब तो ये भी सोच जाते हैं। चलो एनी वेज व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी, सेंडिंग एग्जाम्स चल रहे, उसकी प्रिपरेशन भी कर आ रही थी। अब लगा 2 दिन हो गया कुछ तो व्लॉग डालो, क्योंकि हैं कुछ लोग जो मुझे बहुत चाहते हैं, जो वेट करते हैं कि दिया कुछ भी डालो आप डालो, तो सही वरना मुझे लग रहा था आज के व्लॉग में मैंने कहा मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि दिमाग जब कहीं और होता है ना किसी और चीज़ों में तो अच्छे से भी पता, दिमाग ये भी काम नहीं करता, हम इस सीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब चीज़ें निकल जाती हैं। आज दीदी ने एक बड़ी अच्छी रेसिपी बनाई थी और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि दिमाग में मेरे कुछ कुछ चल रहा था। बीच में पहुंची मैंने कहा अरे दीदी आप ये बना रहे थे, चलो पर अब तो निकल गया, ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स जो भी है बस फिर से यही कहूँगी यार, जो भी व्यूअर्स हैं आपने सपोर्ट करना मुझे, मुझे नहीं पता कब किस साल के अंदर मुझको फंसा दिया जाएगा, सीरियसली आई थिंक अब तो वो इंसान अलर्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर किया है कि इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो आप लोग भी समझो मिस्टेक। वैसे तो यार देखो मैं मतलब अभी सोच रही हूँ, इतना मैंने कभी सोचा नहीं अपने लाइफ में इतना, बट अब ऐसे लगता है कि कदम फूक फूक के रखना चाहिए, आपकी किस चीज़ का लोग किस वे में यूज़ कर लेंगे आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते इस चीज़ का। तो अपना सपोर्ट रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, बस और कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।